हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोकेमोन यूनाइट गेम प्ले। और आज हम खेलने जा रहे हैं फेलिंग्स और मेराइडॉन। टेस्ट सर्वर में रिलीज हो चुके हैं गाइस, और फेलिंग्स इतना ज़्यादा ओपीएम है, क्या बताऊँ। एक्चुअली में मेराइडॉन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरे को, पर क्योंकि वो लेजेंडरी है उसका इतना अच्छा होना बनता है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फेलिंग्स इतना ज़्यादा ओपी होने वाला है। अब गाइस, ये वीडियो मैं लेट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यार पहले तो मेरे को क्या है वो करना पड़ा, पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे गेम सारे के सारे बॉट्स के साथ ही लगते गए तो मैं कुछ कर नहीं पाया फिर। और उसके थोड़े टाइम बाद जो है जाके मेरे गेम्स फाइनली रियल बंदों के अगेंस्ट लगे, तो अब आप देख सकते हैं कि कैसा गेम जा रहा है। बाकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फेलिंग्स, मेरे को बहुत ही पसंद आया, इसकी एनिमेशन इतनी बढ़िया है, और मेगा हॉर्न और जो नो रिट्रीट वाला बिल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इनसेन है। प्लस ये एक ऑलराउंडर है और इसकी मूव्स 4 और 6 पे खुल जाती है, जो कि बहुत सही है। सारीना की तरह नहीं, सारीना की शायद 5 और 6 पे खुलती है, इसकी 4 और 6 पे खुल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। और नो रिट्रीट और मेगाहॉर्न वाला जो बिल्ड है वो तो बहुत ही ज़्यादा इनसेन है। तो गाइज, अभी हम इस पे खेलने जा रहे हैं रेजर क्लॉ, अटैक वेट और वीकनेस पॉलिसी, और साथ में नॉर्मल 6 ब्राउन 6 वाइट HP अटैक वाले एम्बलम्स। तो चलिए देखते हैं कि ये गेम कैसा जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि अर्ली गेम हम एनिमी टीम को डोमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो मेराइडॉन है वो भी इधर आया हुआ है, और साथ में कम्फी भी है मेरे साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और प्लस अपने फाइनली 6 स्टैक्स भी हो चुके हैं। अब गाइज, मैं बेसिक्स के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ। तो जैसे अब मेरे दोनों मूव्स खुल गए हैं, तो जब अपन नो रिट्रीट करते हैं तो एक डैश और डैमेज देता है और अपनी फॉर्मेशन चेंज कर लेता है ये। तो अगर आपको फॉर्मेशन दोबारा चेंज करनी है तो आपको नो रिट्रीट ही दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पर नो रिट्रीट के बाद जब आप मेगाहॉर्न यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 सेकंड का कूलडाउन है, पर नो रिट्रीट के बाद अगर आप एक बेसिक अटैक भी मारेंगे तो वो 3 सेकंड से 0 सेकंड हो जाएगा कूलडाउन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे यहाँ पे मारा नो रिट्रीट, अब मैं एक बेसिक मारूंगा तो मेरा दोबारा आ जाएगा। प्लस अगर आपके पास ऑलरेडी दोबारा नो रिट्रीट है, अगर आप फॉर्मेशन अपनी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन फॉर्मेशन में होता है तो नो रिट्रीट स्टन देता है, और अगर दूसरी फॉर्मेशन में होता है जो स्प्रेड आउट वाली फॉर्मेशन है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इनसेन डैमेज देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार में 3100 का क्रिट पड़ा उसको, वो भी 8 लेवल पे। तो आप सोच सकते हैं 12 या 13 लेवल पे क्या पड़ेगा, ठीक है। प्लस 10 वाली जो फॉर्मेशन होती है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा एक नॉर्मल सा स्टन देता है ये। तो एक्चुअली में मेरे को बहुत अच्छा लगा फेलिंग्स, बहुत ही मज़ा आया मेरे को तो खेलने में। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़े आएगा जब आप लोग खेलेंगे इसे। और मैं एक्चुअली मैं बताऊँ तो मेरे को ये वाला बिल्ड बेस्ट भी इसीलिए लगता है क्योंकि इसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा वाला बिल्ड भी इसका अच्छा है, बट ये वाला बिल्ड तो भाई बहुत ही ज़्यादा इनसेन है। तो देखते हैं कि आगे गेम में क्या होता है। और इसकी अल्ट भी मतलब ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ख़राब नहीं है। इट्स अ वर्लपूल, मतलब वर्लपूल है जिसमें आप काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकते हो। अच्छा, आपको ये और ध्यान रखना है, एक और बात मैं बताना भूल गया कि जो ये ट्रेन वाली फॉर्मेशन है ना, इसमें आप ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हो, और जो ये स्प्रेड आउट वाली फॉर्मेशन है इसमें ये मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो अगर आप किसी एनिमी को चेज करना चाहते हो तो आई रेकमेंड कि आप पहले ट्रेन वाली फॉर्मेशन से उसे स्टन दो, फिर आप उसे नो रिट्रीट से एक और स्टन दो, और उसके बाद आप उस पर दोबारा मेगाहॉर्न यूज़ करो, तब जाके मतलब ये आपका बेसिक कॉम्बिनेशन रहेगा इस बिल्ड से फाइट लेते टाइम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पहले ट्रेन फॉर्मेशन से जाके मेगाहॉर्न से डायरेक्ट स्टन, फिर नो रिट्रीट मार के स्टन, और फिर दोबारा मेगाहॉर्न से इनसेन डैमेज, ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा इस वाली बिल्ड से खेलते टाइम। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी
सही पोकेमोन है क्योंकि ये एरिया डैमेज में ओवरहीट टाइप्स है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि ओवरहीट जैसा डैमेज है इसका, और काफ़ी बढ़िया मॉन है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका। प्लस एक और चीज़ है इसमें कि ये जो मेन कैरेक्टर है ना इसका, जो सबसे बड़ा है, सिर्फ उसी को डैमेज पड़ सकता है, ठीक है? तो अगर आपको एनिमी कोई पीछे से चेज कर रहा है ना, तो वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा पीछे के जो स्मॉल टारगेट्स है उसको बेसिक अटैक मारने में, लेकिन आपको अगर वो पीछे के छोटों छोटों में बेसिक अटैक मार रहा है तो उसका आपको कोई डैमेज नहीं पड़ेगा। तो आप होपफुली ये जो भी मैंने अभी बोला वो आप समझ गए होंगे कि अगर एनिमी पीछे वालों को बेसिक अटैक मार रहा है, पीछे वाले छोटों को, तो आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। और आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जैसे हमेशा ये 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैरी कर सकता है, क्योंकि इसके ये 5 पोकेमॉन्स है, ये एक पोकेमॉन नहीं है, ठीक है? तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं तो कहूँगा यार, ये वाला बिल्ड बहुत ही अच्छा है, आपको यही वाला बिल्ड खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी इंसेंट डैमेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कई कई जगहों पे मैंने बिल्कुल ही, मतलब एक बार में वन शॉट ही कर दिया लिटरली एनिमी पोकेमॉन्स को। बाकी मेरा एडॉन भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, हालांकि मेरे को क्या है, अभी मैं फैलेंग्स की वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ, मैं पहले मेरा एडॉन के डालना चाहता था, बट मेरा जो फ़ोन है ना दूसरा वाला, जिसमें मैं एक्चुअली ये खेलता हूँ टेस्ट सर्वर, वो थोड़ा सा पुराना है, तो उसमें ठीक से चल नहीं पाता है, तो उसमें लेट स्क्रीन ओपन होती है, तब तक ऑलरेडी मेरा एडॉन जा चुका होता है, क्योंकि अभी सभी खेलना चाहते हैं मेरा एडॉन टेस्ट सर्वर पे, तो इसलिए फ़िलहाल मैं फैलेंग्स गेम प्ले आप लोगों को दे सकता हूँ, तो आप लोग फैलेंग्स गेम प्ले इन्जॉय कीजिए, मेरा एडॉन जब दे पाऊँगा तब वो भी अच्छा रहेगा, बट फिलहाल के लिए जो है उससे काम चला लेते हैं। बाकी मैं सही बता रहा हूँ गाइस, ये एक्चुअली मेरे को मेराडोन एक गेम खेलने को ज़रूर मिला था, लेकिन मैं स्टिल कहना चाहूँगा कि फैलिंग्स मेरे को मेराडोन से बेटर लगा, पता नहीं क्यों, जबकि वो एक एक्स लाइसेंस है। देखो गाइस, फैलिंग्स को वो मेराडोन को वन शॉट कर दिया गाइस, लिटरली वन शॉट। अब यहाँ पे अगर मैं टाइमली स्टन दे पाता शैंडलोर को तो सही रहता, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो इसलिए यहाँ पे डेथ हो गई। बाकी गाइस फाइनली मैं बताना एक चीज़, तो मैं ये चीज़ तो ज़रूर कहूँगा गाइस कि जितने भी अभी तक अपडेट्स आए हैं, पोकेमॉन्स आए हैं, काफ़ी फन ज़रूर रहे हैं, लेकिन इतने फन दो पोकेमॉन्स एक साथ कभी नहीं आए मेरे हिसाब से। ब्लेजिकन जब आया तो ब्लेजिकन भी काफ़ी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसका प्ले स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन अब फैलेंक्स आने के बाद भाई मुझे लगता है कि यार फैलेंक्स तो टेक ओवर कर लेने वाला है ऑलराउंडर मेटा को। तो गाइज हमने फाइनली रिक्वास्ट भी सिक्योर कर लिया है, तो फिलहाल के लिए गेम बढ़िया चल रहा है। हालांकि हमने उनके 3 पोकेमॉन्स मार दिया, हालांकि फिर भी मैं सिर्फ फन लेने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। क्या नाम है इसका, म्यूज कराडा के, बट ठीक है कोई बात नहीं अब, लेकिन इसका इम्पैक्ट मेरे को लास्ट में दिखेगा। ये पता नहीं मेरे को किस चीज़ का स्टन पड़ गया, मेरे को समझ नहीं आया, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बाकी हमारी टीम में से भी शायद सिर्फ एक ही स्कोर हुआ है अभी तक, तो और हम नॉर्मल लीड में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो मैं कोशिश तो करता हूँ एक और स्कोर करने की। बट यहाँ पे उनका मेरा आइडॉन अल्ट चला देता है, तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यार कि फैलेंक्स कितना ज़्यादा बढ़िया पोकेमोन है। तो गाइज मेरे को तो बहुत मज़ा आया फैलेंक्स खेलने में, और होपफुली आपको भी आएगा जब ये रिलीज़ होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।